छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के परिणाम के बाद अब नगर निगमों में मेयर और निगम पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां प्रदेश के सभी नगर निगमों में अपना मेयर बनाने का दम भर रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी हिम्मत नहीं हारी है। वो राजधानी रायपुर में अपना मेयर बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि निर्दलियों के साथ ही कांग्रेस के भी पार्षद उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस पहले अपने पार्षदों को तो बचा ले, क्योंकि कुछ पार्षद कांग्रेस से भी टूटेंगे। पूर्व विधायक सुंदरानी का कहना है कि अपना महापौर बनाने के लिए बीजेपी आखिरी दम तक लड़ाई करेगी। पार्टी के नेता सभी सात निर्दलीय विधायकों के संपर्क में हैं। बीजेपी के पास है 5 भारतीय जनता पार्टी समर्थित, मतलब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के 5 पार्षद है, और 2 का और बातचीत चल रहा है, और कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। उन्हें डिक्लेयर तो करने दीजिए महापौर का प्रत्याशी, हम लड़ेंगे। और हम हेमंत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हेमंत, क्या वाकई में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी? जिस तरह से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुंदरानी कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि भाई महापौर तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। देखिए, रायपुर नगर निगम की अगर बात की जाए तो काफी पेच यहाँ पर महापौर पद को लेकर फंसा हुआ है। हालांकि बहुमत से 2 पार्षद दूर कांग्रेस है, यहाँ पर कांग्रेस के पास 34 पार्षद है, और किसी भी पार्टी को महापौर बनाने के लिए 36 पार्षद चाहिए। 34 कांग्रेस के पास है, 29 बीजेपी के पास है, वही निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो 7 जीत कर आए हैं। तो ऐसे में पेच अभी फंसा हुआ है, कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि 7 के 7 निर्दलीय पार्षदों के भारतीय हेमंत 7 के 7 निर्दलीय पार्षदों के भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में होने का दावा यहाँ पे सुंदरानी कर रहे हैं। उनके दावों में कितना दम, और क्या वाकई में कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे बैठी है? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब महापौर चुनाव के लेकर ऐलान हुआ, जब निर्वाचन आयोग द्वारा ये तय किया गया कि महापौर की जो प्रक्रिया है निर्वाचन की, वो इस दिन की जाएगी, उसके पहले ही जो यहाँ पर निर्वाचन आयोग है उन्होंने प्रक्रिया जारी कर दी थी, और कांग्रेस ने उसके बाद पर्यवेक्षकों की घोषणा की। और कल रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में जो पर्यवेक्षक हैं उन्होंने वहाँ पर वो किया, और जो पर्यवेक्षक यहाँ पर बैजनाथ चंद्राकर, उन्होंने पार्षदों से 1-to-1 चर्चा की थी और कहा कि आपकी क्या राय है। हालांकि पार्षदों ने वहाँ पर 1-to-1 चर्चा की थी, उसमें अपने नाम बता दिए हैं, लेकिन बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी यह दावा कर रही है कि 7 के 7 जो पार्षद हैं वो तो बीजेपी के पास आएंगे, लेकिन 34 में से कई पार्षद वो तोड़ने की कोशिश की जाएगी। मतलब जो 34 कांग्रेस के जो पार्षद जीत के निगम में गए हैं, हेमंत, जो 34 पार्षद जीत के निगम में गए हैं, और हालांकि महापौर बनाने के लिए 36 पार्षदों का होना जरूरी है, 34 कांग्रेस के पास है, 7 निर्दलीय हैं। यहाँ पे श्रीचंद सुंदरानी ये भी दावा ठोक रहे हैं कि भाई कांग्रेस पहले अपने पार्षदों को बचा ले, उसके बाद वो निर्दलियों से बातचीत करें। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ डीलिंग ऐसी हो रही है जिसके बेस पर सुंदरानी दावा कर रहे हैं। और लगातार जब रायपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस का कब्जा रहा, तो फिर हाल फिलहाल में ऐसी क्या स्थिति आ गई कि बैकफुट पे कांग्रेस नजर आ रही है? अब देखिए, बैकफुट में आने के कारण ये हो सकता है, क्योंकि महापौर पद को लेकर अभी भी जो कांग्रेस में है वो सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस एक नाम तय नहीं कर पा रही है कि आखिरकार किसको महापौर बनाना है। करीब 5 से ज्यादा उम्मीदवार महापौर पद को लेकर हैं, और ये आपस में कांग्रेस नहीं, ये सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है कि आखिरकार महापौर किसको बनाना है, क्योंकि जो दावेदार हैं महापौर पद को लेकर कांग्रेस में वो अपनी अपनी तरफ से लॉबिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बीजेपी इस बात की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस में के जो पार्षद हैं उसको तोड़ने की कोशिश बीजेपी करेगी। और इसके अलावा जो 7 निर्दलीय हैं, बीजेपी का यह कहना है कि 7 निर्दलीयों में से जो 5 निर्दलीय हैं वो भाजपा की विचारधारा के हैं, इसलिए वो भाजपा के साथ आ जाएंगे। लेकिन अगर 2 अन्य पार्षद निर्दलीयों की बात की जाए तो बीजेपी उनके भी संपर्क में है। हालांकि इसमें तो देखा जाएगा कि कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है बीजेपी के मुकाबले, क्योंकि बीजेपी काफी दूर है, 7
सात पार्षद बीजेपी को चाहिए जबकि कांग्रेस को मात्र दो पार्षद चाहिए अपना महापौर बनाने के लिए। लेकिन पूरे देखा जाए तो बैकफुट में कांग्रेस नजर आ रही है क्योंकि अपना महापौर पद के लिए जो उम्मीदवार की घोषणा आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त हमारे साथ आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं, कांग्रेस से स्पोक पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेती हूँ। त्रिवेदी जी बहुत स्वागत है और शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। त्रिवेदी जी क्या चल रहा है क्योंकि सुंदरानी साहब तो दावा कर रहे हैं कि भाई रायपुर नगर निगम में महापौर तो बीजेपी का होगा, सात निर्दलीय जो पार्षद हैं वो उनके संपर्क में हैं और साथ ही कांग्रेस अपने पार्षदों को बचा ले, क्या कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि भितरघात हो सकता है? दावा करने से सुंदरानी जी को कैसे रोका जा सकता है, उनका अधिकार है। विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने 65 सीटें जीतने का दावा किया था, 15 सीटों पर सिमट गए। नगरी निकाय चुनाव जीतने का दावा किया था, नहीं जीत पाए। दंतेवाड़ा उपचुनाव जीतने का दावा किया था, नहीं जीत पाए। चित्रकूट जीतने का दावा किया था, नहीं जीत पाए। तो दावा करना राजनीति का एक अंग है, लेकिन दावा करने वाले को यह देखना चाहिए कि वो ऐसा दावा ना करे कि उसकी हंसी उड़े। और सुंदरानी जी का दावा बड़ा हास्यास्पद और आधारहीन नजर आता है। आप लोगों ने संपर्क किया सात निर्दलीय जो पार्षद है उनसे, और जिस तरह से सुन लीजिए ना त्रिवेदी जी, जिस तरह से यहाँ पे सुंदरानी जी ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों के यहाँ मतलब अभी तक नाम डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एक अनास और बीमार वाली स्थिति है आप लोगों के यहाँ। क्या सुंदरानी जी क्या नाम डिसाइड हो गया? कल शाम को तो इन्होंने पर्यवेक्षक डिसाइड किया है, ब्रिजमोहन अग्रवाल को कल निर्णय जवाबदारी सौंपी है। तो ऐसी बातें करने के पहले, इतनी बात राजनीति में पक्ष प्रतिपक्ष की बात होती है, लेकिन सुंदरानी जी जैसे वरिष्ठ नेता से ऐसी हल्की बात अच्छी नहीं लगती। उन्होंने तो कल पर्यवेक्षक डिसाइड किया है और हमारे पर्यवेक्षक दो दिन आके पार्षदों से मिलके जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके चले गए। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस के बीच। तो आप लोगों के नाम डिसाइड हो गए हैं, इसका मतलब? हमारे यहाँ पर्यवेक्षकों ने पार्षदों से चर्चा की है, पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को देंगे, हमारे सारे वरिष्ठ नेता इस पे चर्चा करेंगे और नाम की घोषणा की जाएगी। हमारी पार्टी एक स्थापित राजनीतिक पार्टी है जिसके अपने आदर्श और परंपरा है। सुंदरानी जी जैसे नहीं चलते हम लोग कि पर्यवेक्षक का नाम डिसाइड नहीं हुआ है और कांग्रेस पे आरोप लगाने लगे। जी बिल्कुल। साथ ही त्रिवेदी जी यहाँ पे सुंदरानी जी का दावा ये भी है कि भाई आप जो आप कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। इस तरीके की स्तरहीन बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि स्वयं के तो 30 की संख्या नहीं पार कर पाए, कांग्रेस 34 पार्षद जिता के लाई, हमारे साथ निर्दलीय पार्षदों का समर्थन है, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। सर ये समर्थन, ये जो निर्दलीय पार्षदों का समर्थन है, ये सशर्त समर्थन है या बिना शर्त समर्थन है? निःशर्त समर्थन है, किसी तरीके की कोई शर्त नहीं। बिल्कुल, वाकई में क्योंकि चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस तरह से अगर हम राज्य के सिनेरियो को लेकर बात करते हैं तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री दावा भी कर रहे हैं कि प्रदेश में विकास हो रहा है और उस विकास की बयान हम लगातार देख भी रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाते भी आ रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी और मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर निगम में आपका महापौर बन जाता है तो सबसे पहली प्राथमिकता आप लोगों की क्या रहने वाली है रायपुर नगर निगम के लिए? कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र नगरीय निकाय चुनाव के लिए जारी किया है और उस घोषणा पत्र की एक एक बात को पूरा करने के लिए हम, हमारा महापौर, हमारे सभी पार्षद मिलजुल के काम करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस तरीके से समावेशी विकास की बात है, सबको साथ लेकर चलने की बात है, उस बात को पूरा करने का काम हम करेंगे। बिल्कुल त्रिवेदी जी, हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ जाएं और उसके बाद आप दोनों के साथ एक कॉन्वर्सेशन होता तो वो ज्यादा हेल्दी होता और लोगों को, शायद दर्शकों को भी समझ में आता कि एक्चुअल किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। हालांकि लगातार संपर्क किया गया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। बहरहाल आपने अपना पक्ष रखा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हेमंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। हेमंत, आपने सारी चर्चा को सुना, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी।
देखिए, पहले तो दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। जरूर बीजेपी इस बात को कह रही है कि जो 7 निर्दलीय हैं वो भाजपा के संपर्क में आ जाएंगे, लेकिन जो अभी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, 7 जो निर्दलीय पार्षद हैं वो एकजुट हैं। तो 2 दिन पहले एक होटल पे उन्होंने मीटिंग की है और जो निर्दलीय पार्षद उसमें जीत क्या है अमर बंसल, वो पूरा मैनेज पार्षदों को कर रहे हैं। और ये अब इतना तो साफ है कि बिना शर्त के आधार पर किसी भी पार्टी को जो निर्दलीय पार्षद है वो समर्थन नहीं देंगे। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि इस तरह की जब घटनाक्रम सामने आते हैं तो सबसे ज्यादा किंग मेकर की भूमिका जो निभाते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।